हेलो डियर स्टूडेंट, रोटेशनल डायनेमिक्स का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं जो एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। अ पार्टिकल ऑफ द मास 1 केजी इज मूविंग अलोंग द लाइन y = x + 3 विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। देखो यार, पार्टिकल जिस इक्वेशन के अलोंग मूव कर रहा है वो इक्वेशन क्या है, y = x + 3। y = x + 3 मतलब y = mx + c हो गया। आपको पता है यार, अलग अलग टाइप की स्ट्रेट लाइंस होती है, जैसे ये एक्स और ये वाई। तो ये वाली जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एम एक्स होती है, और जो यहाँ से जाती है वो क्या होती है, एम एक्स प्लस सी होती है। वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरे पास इक्वेशन है, ये एक्स, ये वाई, एम एक्स प्लस सी, ऐसे जा रहा हमारा पार्टिकल। वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में अगर मैं इसकी तुलना करता हूँ तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ तुलना कर रहे हैं, x का कॉफिशेंट कितना है यहाँ पे 1, और यहाँ पे x का कॉफिशेंट कितना है m। तब x का जो कॉफिशेंट होता है ना, वो यार वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 45 डिग्री। तो इस इन्फॉर्मेशन से मुझे पता चला ये जो इक्वेशन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, जैसे स्ट्रेट लाइन के लोग मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है, वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो मेरा पार्टिकल है कितनी स्पीड से चल रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसका मास कितना है, 1 kg। मुझे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। ये ओरिजिन है, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप एंगुलर मोमेंटम बताना चाहते हैं तो आप लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। आर परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जो भी हमारी लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी एक्सिस जो ओरिजिन या जहाँ से मेरे को एंगुलर मोमेंटम बताना है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज आर परपेंडिकुलर। एंड पी होता है उसका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो मास कितना दिया हुआ है, 1 kg, एंड वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। अब मेरा असली टास्क रह गया ये आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना। ये जो सी होता है ना बेटा, वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट का मतलब ये वाली लंबाई। तो ये वाली लंबाई कितनी तरह की है, यहाँ पे 3। सो ये वाली लेंथ आ गई मेरे पास में 3। अब देखो यार, ये आपके पास में 45 डिग्री है, ध्यान से देखना, ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री का एंगल है, मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 45 है तो ये भी कितना है, 45। और अगर ये 45 है, ये पूरा 90 है, तो ये भी कितना हो गया, 45। दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। इधर आप इस ट्राइंगल को देखो यार, देखो ये लेंथ कितनी दिखाई दे रही है आपको, 3, इसको मैंने 3 बोल दिया। ये 45, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 45, ये पूरा 90, ये 45, तो ये कितना हो गया, 45। मुझे आर परपेंडिकुलर चाहिए। इस ट्राइंगल में एंगल के सामने की साइड आपको चाहिए परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस है, तो मैं यहाँ पे साइन 45 लगा सकता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन 45 1 अपॉन रूट 2, परपेंडिकुलर ये मैंने लग दिया, एंड जो हाइपोटेनस है वो 3 है। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यूज आ गई गाइस 3/√2। ओके, सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने 3/√2। 3 × 3 कितना हो गया, 9, और नीचे कितना हो गया, √2। दिस इज माई आंसर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर, जो खास बात आपको नज़र में आई वो क्या, एक तो स्ट्रेट लाइन को सही तरह से पहचाना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना, इसकी स्लोप के बारे में जानकारी होना, ये पता होना कि यार इस इक्वेशन में ये इंटरसेप्ट होता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही क्या होता है यार, किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन बनता है। तो बस मेहनत करो यार, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मजबूत करो, बड़े बड़े काम करोगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।